हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ी रायता। यह बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है उत्तराखंड कुमाऊँ की, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहाड़ी रायता की रेसिपी। वैसे तो रायता बहुत ईजी है बनाने में, हर किसी को आता है, बट कुमाऊनी रायता की बात ही कुछ अलग है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप लोग एक बार इसको खा लेंगे तो बार बार आपका खाने का मन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुमाऊनी रायते की रेसिपी। रायता बनाने के लिए हमें दही चाहिए, सबसे पहले राई चाहिए, हमें काली राई चाहिए। ये देखिए छोटे छोटे इसके दाने होते हैं इस टाइप के, एक खीरा, थोड़ा सा हरा धनिया, हरा मिर्चा, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हल्दी और नमक, मैंने रॉक सॉल्ट लिया है। अब हम खीरे को आगे पीछे दोनों साइड से काट लेंगे और इसको कद्दूकस कर लेंगे। इसका छिक्कल हमें निकालना नहीं है, ऐसे ही कद्दूकस करेंगे। अब हम राई को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे छोटे वाले जार में। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे में पीसने से और भी अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब दही को अच्छे से फेंट लेंगे, अगर दही गाढ़ा हो तो थोड़ा उसमें पानी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 2 पिंच, भुना हुआ जीरा 2 पिंच, अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई राई 1.5 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है रायता का वो यही है, राई। अब हम डालेंगे खीरा, कद्दूकस किया हुआ। खीरे का पानी हमने अलग निकाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने से रायता का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और थोड़ा सा हरा मिर्चा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा भुना हुआ जीरा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और ये देखिए बन गया हमारा पहाड़ी रायता। जीरा अगर न डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है हमारा रायता, पहाड़ी रायता। इस रायते की खास बात यह है कि इसको खाने से 1 घंटे पहले हमें बनाना है, 1 या 2 घंटे पहले, और इसको बनाकर तुरंत फ्रिज में रख दें, और जैसे जैसे इसको हम लेट में जितना खाएंगे उतना ही अच्छा इसका राई का फ्लेवर आएगा खाने में। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें पहाड़ी रायता। दोस्तों, कैसी लगी आपको पहाड़ी रायते की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँच सके। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।